पिछली वीडियो में हमने बात किया था हरम के बारे में, हरम में कौन रहते हैं, क्या होता है इसके बारे में। पर आज हम बात करेंगे हरम का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होता था। मुगल के शाही हरम के लिए एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, उसमें अनेक कर्मचारी होते थे, पर हरम के अंदर सुरक्षा के लिए केवल महिलाएं होती थी। बादशाह सोने के लिए और खाने के लिए हरम में जाता था। इसके लिए हर चीज की बारीकी से ध्यान रखा जाता था कि कहीं कोई खाने में जहर ना मिला दे। हरम की सुरक्षा का कार्य अलग अलग विभागों के तहत बटा होता था। जो महिलाएं सुरक्षा के लिए नियुक्त होती थी उन्हें तनख्वाह भी दिया जाता था। मुख्यतः सुरक्षा तीन लेयर में की जाती थी। हरम के सबसे अंदर में भारी भरकम मजबूत शरीर वाले महिलाएं होती जिनके हाथों में धनुष या भाले होते थे। इन्हें स्पेशली हरम की सुरक्षा के लिए उज्बेकिस्तान के उस जगह से लाया जाता जहां महिलाओं की सैन्य प्रशिक्षण होती थी। हरम की दूसरे लेयर की सुरक्षा किन्नरों के द्वारा की जाती थी। वो हरम के षड्यंत्रों पर नजर रखते थे और कोई भी बात सीधा राजा तक पहुंचाते थे। ज्यादातर किन्नर वो होते थे जो बचपन में घर से निकाल दिए जाते थे या फिर तुर्की या अफ्रीकी राजाओं के द्वारा तोहफे में दिए जाते थे। किन्नरों को सल्तनत में चल रही सारी षड्यंत्रों की जानकारी होती थी। और ये भी एक वजह थी कि मुगल के इतिहास में कई किन्नर ऐसे रहे थे जिन्हें बादशाह ने अपने राजनीतिक सलाहकार घोषित किया था। अकबर अपने कार्यकाल में खुद हरम की सुरक्षा पर खास ध्यान रखता था। इस वजह से अकबर के समय में हरम की सुरक्षा पर दो अतिरिक्त लेयर थे जिसमें किन्नरों के बाद मुगल के विश्वासी राजपूत का समूह पहरेदारी करता था। इन्हें सख्त हिदायत थी कि कोई भी घुसपैठ करे या घुसपैठ करने की कोशिश करे तो उसे मार दो। इसके आगे के लेयर में द्वारपाल होते थे। आखिरी लेयर में हरम की दीवारों के चारों ओर अमीर और अहिद और अन्य सैन्य टुकड़ी गश्त लगाती थी। मुगल के टाइम में अमीर और अहिद उन्हें बोला जाता था जो उच्च आधिकारिक रुतवा रखते थे और अंदर से हरम को व्यवस्थित रखने की जिम्मेवारी बेगम की होती थी।